गुड आफ्टरनून आल स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास हमारी थी राजपूतों के कुछ प्रमुख राजवंशों की। उनमें कुछ प्रमुख राजवंश थे, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के। तो इनमें बहुत से राजवंश हुए, चालुक्य, चोल, मतलब कि, तो इसका भी हम एक एक करके मतलब डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे, उसमें ये कहा जाता है कि 1200 ईस्वी के 1200 ईस्वी के अंत में क्या हुआ कि अनेक, मतलब 1200 ईस्वी के बाद अनेक क्या हुए, स्वतंत्र राजवंश हुए। और वास्तुकला और स्थापत्य कला की बहुत बड़ी क्या हुई थी, उन्नति हुई थी। जो बात आती है कुछ जो स्वतंत्र राजवंश थे उनमें आ जाए कि नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में महाराष्ट्र चालुक्यों का शासन था। महाराष्ट्र में क्या था, चालुक्यों का शासन था। और जो नरेश थे, मतलब नरेश थे वो धर्म संस्कृति और साहित्य के क्या आज बता, मतलब कि उनके मतलब शासनकाल में धर्म संस्कृति और साहित्य मतलब इन तीनों का बहुत बड़ा क्या था, समावेश था। वो इन तीनों को लेकर ही मतलब आश्रय दाता मतलब कि वो सब चीज़ों को लेकर चलते थे। फिर इसमें वास्तुकला और स्थापत्य कला की बड़ी उन्नति भी हुई। जाहिर सी बात है जब ये मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ को अगर हम लेकर चलेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसकी क्या उन्नति ही होगी। तो यही हुआ इस काल में भी कि वास्तुकला और स्थापत्य कला की बड़ी उन्नति हुई। बात करते हैं कि मतलब इसमें जो अनेक जो राजवंश हुए थे, ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, हम एक एक करके बात करेंगे, जैसे कि चेर है, चेर राज्य था, चोल वंश था, मतलब तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश में जो चले 550 से 753, तो इसमें ये था कि राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक जो कर्कदीप्ति को परास्त करके चालुक्य शासक तैलक ने, चालुक्य शासक तैलक दीप्ति ने क्या किया था, अपने राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। और राज्य स्थापना किया जब तो उसने कल्याणी को क्या करा था, अपनी राजधानी बनाई। और इस वंश में क्या जो प्रमुख कुछ शासक हुए, पहला था पुलकेशिन का प्रथम, फिर था कीर्तिवर्मन, मंगल से पुलकेशिन दीप्ति, विक्रमादित्य, विष्णुवर्धन, सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम, मतलब पांचवा विक्रमादित्य, पांचवा पंचम और क्या थे जैसे हुए। इसमें ये कहा जाता है कि तैलक था, तैलक ने राजधानी को वातापी जो कर्नाटक का एरिया था उसको बनाया। और उसने क्या किया था, 24 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया। और ये कहा जाता है कि जो मतलब जो वातापी जो कर्नाटक का जो जगह है वातापी था, और उसमें क्या थे अनेक, और यहीं से जो राजवंश हुए, वंश जो थे वो क्या थे, वंशों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। और चालुक्य राजाओं ने दक्षिण भारत को राजनीतिक मतलब राजनीतिक एकता के सूत्र में एकत्रित कर किया। और साथ ही साथ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के चेरों पल्लवों और उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को भी क्या कहता हराया था और अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इसमें कुछ विशेषताएं थी, इस वंश की कुछ विशेषताएं, पहला था चालुक्य राजा क्या थे, उदार एवं कल्याणकारी, तभी तो इतने वर्षों तक वे शासन किए। और वे सभी धर्मों का आदर करते थे, वे सभी धर्मों का आदर करते थे और ब्रह्मा विष्णु एवं शिव में इनकी क्या थी, आस्था थी, आस्था के तीन तीनों ही थी, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु एवं शिव। लेकिन वो क्या करते थे, मतलब कि जितने धर्म हुए थे स्टार्टिंग से लेके
वो क्या है, एक सूत्र में राजनीतिक, एक सूत्र में क्या है पूरे मतलब उसको बांध कर दिए गए। फिर जो सम्राट ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये था कि जो मतलब मंदिरों का जो निर्माण करते थे वो क्या था, पत्थरों को काटकर, चट्टानों को काटकर वो मंदिरों का निर्माण करते थे। साथ ही साथ वो मतलब जिसकी कि उनके द्वारा क्या था, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव की में तो इनकी आस्था थी ही थी, लेकिन इनके द्वारा जो मंदिर बनाए गए जो कुछ मंदिर थे वो क्या मंदिरों से ये स्पष्ट हो जाता है। ये जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वंश की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।